आज हम पेज नंबर 357 से कंटिन्यू करेंगे। हमारा सॉल्ट मार्च हमने पढ़ा था, गांधी जी ने किया था, तो इन्होंने जो है ना, पेज नंबर 357, आवाज आ रही है? तो आज हम सोर्स नंबर 3 और सोर्स नंबर 4 करेंगे। इन दोनों में से एक सोर्स के आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है? और ये दोनों के दोनों सोर्स जो हैं वो सॉल्ट मार्च से रिलेटेड हैं, कि सॉल्ट मार्च क्यों हुआ था, क्या था, इसके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। तो पहला आपका सोर्स है वाई द सॉल्ट सत्याग्रह। ये सॉल्ट सत्याग्रह करा ही क्यों गया? तो वाई वॉज द सॉल्ट सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट? सॉल्ट को क्यों यूज़ करा इन्होंने एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट? महात्मा गांधी इसके बारे में लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन बींग गेन डेली शोज हाउ विकेडली द सॉल्ट टॉक्स अटैक्स हैज़ बीन डिज़ाइन। तो इसके ऊपर गांधी कहते हैं कि जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है, और हमें जो है ये मेक श्योर करना होगा कि सरकार जो है नमक के ऊपर से टैक्स हटा ले, ठीक है? नमक के ऊपर जहाँ पे आकर 10 पैसे का टैक्स बनना चाहिए, सरकार 14 गुना ज़्यादा टैक्स ले रही है। और तो जो सरकार है उसने लोगों की जो पावर है टैक्स नमक खुद बनाने की वो खींच ली है, वो लोगों को नमक खुद से नहीं बनाने देते हैं एंड खुद नमक बना बना के बहुत ज़्यादा टैक्स लगा लगा के बेच रहे हैं। तो हमें जो है इस पॉलिसी से बाहर आना होगा, हमें नमक खुद बनाना होगा, ठीक है? डांडी कौनकन अलग अलग इलाकों में यही सब देखा जा रहा है, तो हमारे को सब लोगों को मिलके इस स्टेप्स लेने होंगे और नमक जो कि हमारे राज्य की, हमारे देश की अपनी चीज़ है, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, ये नमक हम खुद बनाएंगे। ये सॉल्ट की जो मोनोपोली अंग्रेज़ों ने ले रखी है, हमें ये तोड़नी होगी। इसको करते हुए हमें टैक्स जो है सॉल्ट सत्याग्रह करना होगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि गांधी ने नमक को क्यों लिया? गांधी ने नमक को इसलिए लिया क्योंकि हर, चाहे छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो नमक खाता है। और नमक का लोगों को बाइंड करता है एक तरह से, कि वो एक सब लोगों की प्रॉब्लम है जो अंग्रेजी सरकार ने क्रिएट करी हुई है। तो अंग्रेजी सरकार को धक्का देने के लिए, अंग्रेजी सरकार को चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने नमक को पकड़ा। अगला आपका टॉपिक पूछ सकते हैं कि ये जो था आपका, ये कहाँ से कहाँ तक थी ये मार्च? तो आपको ये याद रखना होगा, साबरमती आश्रम से लेके साबरमती आश्रम से ये जो है डांडी एरिया में गए थे और वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था। कितने किलोमीटर का था, कब था, ये सब आपसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट आता है टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, सोर्स नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुका है 10 सालों में, ठीक है? तो गांधी जी डांडी पहुंच के बोलते हैं कि आज हम सॉल्ट का कानून तोड़ेंगे, आज हम खुद से नमक बनाएंगे। तो व्हेन आई लेफ्ट साबरमती विद माई कंपेनियन फ्रॉम द सी साइड हैमलेट ऑफ डांडी, आई वॉज नॉट सर्टन इन माई माइंड वट वुड बी अलाउड टू रीच दिस, वी वुड बी अलाउड टू रीच एट दिस प्लेस और नॉट। तो गांधी कह रहे हैं, जब मैं यहाँ से निकला था साबरमती आश्रम से, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे जो है यहाँ तक हम लोग डांडी तक पहुँच पाएंगे और नमक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पर आज हम यहाँ पर आ गए हैं, हमें एक दूसरे पर भरोसा है, हम मिलकर जो है ये नमक बनाएंगे, हमें शांति से सब कुछ करना है एंड शांति की, सत्य की, अहिंसा की पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें झगड़ा नहीं करना है, सब कुछ शांति से करना है, ठीक है? In saying that, the government may, if wish, congratulate itself on acting as it has done, for it could have arrested every one of us. सरकार चाहे तो हम सबको जेल में डाल सकती है। In saying that, I did not have the courage to arrest this army of peace, we praise it. It felt ashamed to arrest such an army. He is civilized man who feel ashamed to do anything with his neighbor would disapprove. पर ये सरकार के लिए शर्मनाक बात होगी कि जो हम लोग शांति से नमक बना रहे हैं, हमें आके उसमें से पकड़े। पर आज जो हम ये लॉ जो है तोड़ के रहेंगे, हम ये नमक बना के रहेंगे। तो अगेन वही होगा, गांधी जी ने नमक का कानून क्यों तोड़ा, नमक ही क्यों? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट, क्या कह रहे हो? ठीक है, पेज 358 थर्ड लाइन से मार्क करना। As with non-cooperation, apart from the officially sanctioned nationalist campaign, there were numerous other streams of protest. तो ये गांधी का एक नमक तोड़ने वाला कानून तो हो गया, इसके अलावा भी अलग अलग लोग चार्ज हो गए, पावर में आ गए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कानून तोड़ने शुरू करे। अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पेजेंट्स ने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ तोड़े थे। ये मैंने पहले भी बताया था कि पहले
जो गाय भैंस चराने वाले लोग थे जंगलों में अपनी गाय भैंस बकरियां लेके जाते थे और चराते थे, पर अंग्रेजों ने ये रोक टोक लगा दी थी कि जंगल अब हमारे हैं, हम आपको घुसने नहीं देंगे। पर जैसे ही ये सॉर्ट लॉ ब्रेक हुआ, लोगों को हिम्मत आई और वो अपनी गाय भैंस लेके जंगलों में चले गए चराने के लिए। उसी तरह फैक्ट्री में, शहरों के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर स्ट्राइक हो गई थी, लोगों ने जो है जो लॉयर्स थे हिंदुस्तानी उन्होंने कोर्ट जाना मना कर दिया, बच्चों ने कॉलेज में जाना बंद कर दिया, तो ये सब कुछ हो गया। तो बहुत सारे लोग जो थे वो गांधी के साथ मिल गए और अंग्रेजों के रूल्स तोड़ने लग गए। 60,000 हिंदुस्तानियों को उठा के जेल में डाला गया था जिसमें गांधी भी खुद थे। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ। The progress of Gandhiji march to the seashore can be traced from the secret reports filed by a police official deputed to monitor his movement. तो सर ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी सरकार छुप बैठी थी या फिर उनकी नज़र नहीं थी, पर सरकार को लगा ये गांधी इतना सा नमक बना के कर क्या लेगा, बस ये बात थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इनको रास्ते में ही उठा के जेल में नहीं डाला, जब गांधी ने नमक का लॉ तोड़ दिया उसके बाद उसको डाला, ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार चुपचाप उन पर नज़र रख रही थी गांधी पर, ये गांधी कर क्या रहा है, पर सरकार को ये नहीं पता था अंग्रेजी सरकार को कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो सकता है। तो दीज रिप्रोड्यूस स्पीचेस ही गेव एट द विलेजेस, तो उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी वो नज़र बना के रखी थी और गांधी जो भी जहाँ पे स्पीच दे रहा था उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा था। इन वन विलेज वासना, पेज 359, गांधी जी टोल्ड एट अपर कास्ट, इफ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल, यू वॉन्ट गेट स्वराज मेयरली बाय द रिपील ऑफ सॉल्ट टैक्स और अदर टैक्स। तो एक जगह स्पीच देते हुए गांधी ने ऊंची जात वालों से बोला था कि अगर तुम्हें सच में आज़ादी चाहिए, सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो नीची जात के लोग हैं उनके साथ तालमेल बना के रखो, उनके साथ अच्छे से वैल्यू क्रिएट करके रखो। फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड फॉर द रॉन्ग विच यू डिड टू द अनटचेबल, आपने जो है अनटचेबल अछूत जातियों के साथ बहुत गलत किया है, उनके साथ अपने रिश्ते ठीक करो। हिंदू और मुसलमान, पारसी, सिख, इन सबको एक होके मिल के स्वराज हासिल करना होगा, तभी इंडिपेंडेंस मिलेगी। पुलिस के जो स्पाइस थे, जो उनकी नज़र रखने वाले को क्या बोलते हैं, सरकार के जो भी नज़र रखने वाले लोग थे, स्पाइस थे, स्पाई को हिंदी में क्या कहते हैं, जासूस, वेरी गुड। अंग्रेज़ों के जो जासूस थे वो गांधी जी की मीटिंग्स को अटेंड करते थे, जो जो वो बोलते थे उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाते थे, ठीक है। दैट गांधी जी मीटिंग्स आर वेरी वेल अटेंडेड बाई विलेजर्स, और ये भी लिखते थे कि गांधी जब मीटिंग करते थे तो गांव के सारे लोग, सारी जात के लोग, औरतें, आदमी, सब लोग गांधी को सुनने आते थे। प्लस कई लोग जो थे वो इतना गांधी से वो हो गए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब जो अंग्रेजी सरकार के अंडर थी वो तक छोड़ दी थी। राइटिंग टू द गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिमार्क, मिस्टर गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड, ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड। तो एक रिपोर्ट में लिखा गया गांधी दिन बर दिन गांधी की पावर बढ़ती जा रही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी हिंदुस्तान में तो फेमस हो रहा था, पर पूरी दुनिया में गांधी का नाम कब फेमस हुआ, उसके बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, द प्रोग्रेस ऑफ सॉल्ट मार्च कैन बी ऑल्सो ट्रेस फ्रॉम अनदर सोर्स, द अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम, अमेरिका की जो न्यूज़ मैगजीन है टाइम, उसके अंदर पहली बार गांधी का नाम लिखा गया था सॉल्ट टैक्स के दौरान, जब वो जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट कर रहे थे, सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे। तो पहली बार जो अंग्रेजी मैगजीन है अमेरिकन टाइम, उनके अंदर उनके बारे में मेंशन किया गया। सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छे वाले कट गई। इसमें ये बोल रहे हैं कि गांधी को पूरी दुनिया में फेमस कब हुए, गांधी का फेम कब आया पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत फेमस हो गए थे गांधी, पर वर्ल्ड लेवल पे कब फेमस हुए, तो इट वाज द सॉल्ट लॉ ओनली, जब उन्होंने जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा, जो ये नमक बनाने का जो उन्होंने प्रोसेस किया था, इसकी वजह से अमेरिका की एक मैगजीन है टाइम, उसके अंदर गांधी के बारे में लिखा गया, जिसमें गांधी का मजाक उड़ाया गया। अब मैं पढ़ती हूँ कि वो क्या मजाक उड़ाया गया था। पहली बार जब पूरी दुनिया को पता चला कि एक गांधी नाम का बच्चा है इंडिया में और वो कैसा दिखता है और वो क्या क्या कर रहा है, तो उन्होंने गांधी की लुक्स का मजाक उड़ाया और उसको बोला ये स्पिंडली फ्रेम का है, हड्डियों का ढांचा है। स्पिंडली फ्रेम का मतलब ये है, स्पाइडर जो लायन क्लॉथ के कपड़े पहनते थे। किसका नेटवर्क जा रहा है? तो उन्होंने सबसे पहले गांधी के लिए वर्ड यूज़ करा स्पिंडली फ्रेम, हड्डियों का ढांचा।
दूसरा मजाक उड़ाया स्पाइडरी लॉयंस, कैसे शेर के कपड़े, शेर की खाल के कपड़े पहन के घूमता है, ठीक है। तो इसका मजाक उड़ाया और उन्होंने बोला कि जो हड्डियों का ढांचा है, हमें तो नहीं लगता कि ये डांडी तक पहुंच पाएगा, ये तो रास्ते में मर लेगा, ठीक है। और उन्होंने लिखा, इट क्लेम दैट गांधी जी सैंक टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ सेकेंड डे वॉकिंग, कि 2 दिन चल के बेचारा धरती में चकनाचूर हो गया, थक गया। द मैगजीन डिड नॉट बिलीव दैट इमेसिएटेड सेंट वुड बी फिजिकली एबल टू गो मच फर्दर। और उन्होंने लिखा कि ये जो हड्डियों का ढांचे वाला संत है, हमें नहीं लगता कि ये थोड़े भी आगे बढ़ जाएगा। बट एक हफ्ते बाद जब सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया, पूरी जगह पे गांधी के वाह वाह ही हो गई, तो टाइम मैगजीन ने ही उस गांधी के बारे में एक और रिपोर्ट छापी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, डेस्परेटली एंक्शियस, ठीक है, गार्नर्ड रोड टाइम हैड मेड द ब्रिटिश रूलर डेस्परेटली एंक्शियस, गांधी जी हिमसेल्फ दे नाउ नेक्स्ट पेज आर सैल्यूटेड एज अ सेंट स्टेटमेंट हु वाज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट एज वेपन अगेंस्ट द मेन विद क्रिश्चियन बिलीव्स। तो इन्होंने बोला कि गांधी एक संत है, एक स्टेटमेंट है, एक देश को चलाने वाला शासक है, ठीक है, एंड ये जो है क्रिश्चियन एक्ट्स पे, मतलब कि भगवान के नाम पे ही अंग्रेजों को तोड़ रहा है, अंग्रेजों का ही नाम लेके अंग्रेजों को तोड़ रहा है। तो जो टाइम मैगजीन एक हफ्ते पहले गांधी को हड्डियों का ढांचा बोल रही है, बुढ़ा बोल रही है, संत बोल रही है जो कि गिर सकता है, टूट सकता है, अगले एक हफ्ते बाद ही वो कह रही है ये संत है, महात्मा है, ये जो है देश को चलाने वाला स्टेट्समैन है, शासक है, और ये अंग्रेजों को कमजोर कर देगा, अंग्रेज एज एन ब्रिटिशर्स को। इतना समझ में आया? तो पहली बार वर्ल्ड फेम जो मिला गांधी को, वो इस अंग्रेजों, ये जो सॉल्ट लॉ था इसको ब्रेक करने पे मिला। यहाँ कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? अब हम आते हैं डायलॉग्स पे, डायलॉग्स पे आते हैं, फिर मैं सोर्स फाइट कराऊंगी। द सॉल्ट मार्च वॉज नॉट नोटेबल, द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन। ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्कर का, कि सॉल्ट मार्च, ये जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करा गया था, ये क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके क्या मुख्य कारण थे जो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया, ये वाला मार्च। फर्स्ट, इट वॉज अ इवेंट दैट ब्रॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। सबसे पहले ये सॉल्ट लॉ की वजह से पूरी दुनिया में गांधी का नाम पहली बार सुना गया। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाई यूरोपियन एंड अमेरिकन न्यूज़पेपर्स। तो अमेरिका के और यूरोप के न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी डेली मैगजीन्स, डेली जो है आर्टिकल्स छापे गांधी पे, जब तक ये सॉल्ट मार्च चला। सेकेंड, द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। सॉल्ट लॉ वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें औरतें भी साथ में गई थी डांडी में। द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन। तो ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, इसने बोला कि नहीं, सिर्फ आदमी आदमी नहीं करेंगे इसको, हम औरतें भी जाएंगी। कमला देवी वॉज हरसेल्फ वन ऑफ द न्यूमरस वुमेन हु कोटेड अरेस्टेड बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ और द लिक्वर लॉ। इस औरत को भी जेल में डाला गया था। थर्ड एंड परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट, इट वॉज द सॉल्ट मार्च विच फोर्स द ब्रिटिश रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। तो पहली बार अंग्रेजों को लगा कि अब जो है हमारा जाने का समय आ रहा है, अब ये हिंदुस्तानी स्ट्रांग होते जा रहे हैं और हमें कुछ पावर हिंदुस्तानियों को देनी होगी शांत करने के लिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है कि सॉल्ट मार्च क्यों इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में आ चुका है बोर्ड्स में। आगे बढ़ू? 3 मार्क्स, पहले 4 नंबर का था, अब 3 मार्क्स में हो गया, अब 4 मार्कर रह गए हैं, 3 मार्कर्स रह गए हैं। आगे चलें। क्या ये पहली लाइन, द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर विच रीजन्स, तो पहली लाइन लिखी है ना डायलॉग की, वही लाइन इसका क्वेश्चन बन के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये सॉल्ट लॉ को खत्म करने के लिए, सॉल्ट मार्च को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक मीटिंग करी, ठीक है, लंदन में मीटिंग हुई थी, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते थे, ठीक है। पहली मीटिंग हुई थी 1930 में, ठीक है, बट विदाउट द प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, दस रेंडरिंग इट एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। तो 1930 में पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, पर उस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, मैक्सिमम लोगों को तो जेल में डाल रखा था, गांधी वांधी सब जेल में थे, तो कोई गया ही नहीं इंडिया से, एक B.R. अम्बेडकर गए थे, उसके अलावा कोई नहीं गया था, तो वो मीटिंग फ्लॉप हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 1931 के अंदर गांधी को जेल से छोड़ा गया,
और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल इन 1931 एंड द फॉलोइंग मंथ हैड सेवरल लॉन्ग मीटिंग्स विद द वाइसरॉय। दिस कल्मिनेटेड वॉज कॉल्ड द गांधी अरविन पैक्ट। तो सेकेंड जो इनकी मीटिंग हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बोला गया था गांधी अरविन पैक्ट। गांधी और लॉर्ड इरविन, इन दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसको गांधी अरविन पैक्ट बोला गया था, जिसके बेसिस पे गांधी ने कहा था कि मैं सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को खत्म कर दूंगा। ऑल द प्रिजनर रिलीज एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलोंग द कोस्ट। तो गांधी ने अपनी दो शर्तें, वैसे तो 11 शर्तें रखी थी, उन 11 शर्तों के अंदर से दो शर्तें ये थी कि आपने जिस जिस को जेल में डाला है इंक्लूडिंग द भगत सिंह, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, और आप जो है नमक बनाने का हमें हक दोगे, हम अपना नमक खुद बनाएंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। तो लॉर्ड इरविन ने कुछ बातें मान ली थी, कुछ बातें नहीं मानी थी, ठीक है। तो गांधी ने कहा था अगर मेरी सारी बातें मान लोगे तो मैं ये सॉल्ट मार्च को बंद कर दूंगा, ठीक है। द पैक्ट वॉज क्रिटिसाइज बाय रेडिकल नेशनलिस्ट फॉर गांधी वॉज अनएबल टू ऑब्टेन द वाइसराय अ कमिटमेंट टू पोलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस। तो कई लोगों ने गांधी से लड़ाई करी कि तो गांधी अरविंद पैक्ट के अंडर देश की आज़ादी भी तो मांग सकता था, उन्हें देश की आज़ादी क्यों नहीं मांगी। तो इस बात पर झगड़ा हुआ। ही कुड ऑब्टेन मेरली एन एश्योरेंस ऑफ टॉक टूवर्ड्स द दैट ऑफ पॉसिबल एंड। अरे तो पूरी आज़ादी नहीं मांगता, कम से कम उनसे श्योरिटी तो लेता कि 5 साल 10 साल कभी तो हमें आज़ाद करके जाएंगे, उन्हें क्यों नहीं मांगी आज़ादी। तो इस चीज़ के ऊपर गांधी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि जब लॉर्ड अरविंद तेरी बात मानने को तैयार बैठा था तो तूने देश की आज़ादी क्यों नहीं मांगी। इतना समझ में आया, ठीक है। नहीं मांगी पागल। अ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ 1930 में। गांधी जी जो है इंडिया की तरफ से गए थे। हाउएवर हिज क्लेम दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इंडिया केम अंडर द चैलेंज फ्रॉम 3 पार्टीज फ्रॉम मुस्लिम लीग विच क्लेम टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी गए, पर गांधी ने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर मुस्लिम लीग के जो वो थे आपके मुस्लिम लीग थी, उन्होंने कहा नहीं, मुस्लिम लीग की तरफ से एक मुसलमान जाएगा जो सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर राजाओं की तरफ से राजाओं ने बोला कि हम आपको अपनी तरफ से नहीं भेज रहे, हम राजाओं की तरफ से हम में से कोई राजा जाएगा, हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने नहीं देंगे, ठीक है। और उसके अलावा B.R. अंबेडकर ने कहा, ठीक है, कि आप जो है कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लो क्लास की नहीं बनी हुई, हाई क्लास लोगों की भी बनी हुई है। तो हर तरीके से आप पूरी तरह से देश को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो गांधी वहाँ पे जाके बोल रहा है लंदन में कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, पर 3 पार्टीज या 3 ग्रुप्स ने आके मना कर दिया कि नहीं, तू ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक मुस्लिमों का ग्रुप था, एक प्रिंसली स्टेट्स का ग्रुप था, और एक B.R. अंबेडकर खुद था जिन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से आप आए और कांग्रेस के अंदर लोअर कास्ट की ज़्यादा कोई जगह नहीं है। इतना समझ में आया। फिर इनकी जो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकंड राउंड टेबल, इसका कोई खास समाधान नहीं निकला। गांधी जी हिंदुस्तान आए और उन्होंने कहा चलो सेकंड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, सेकंड सॉल्ट लॉ वगैरह के ऊपर काम शुरू करते हैं। पर इस टाइम तक लोग थक चुके थे गांधी से। गांधी कोई मूवमेंट स्टार्ट करता था, बीच में रोक देता था। तो अब गांधी मतलब जो बाकी हिंदुस्तानी थे उनकी हिम्मत नहीं बची थी कि बार बार वो कोई भी आपका डिसऑबिडियंस करना शुरू करें या बार बार कोई नया नया मोर्चा करना शुरू करें। द न्यू वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन वॉज डीपली अनसिम्पथेटिक टू इंडियन लीडर इन अ प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर विलिंगडन रोट, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड इफ इट वॉज नॉट फॉर गांधी एट बॉटम ऑफ एवरी मूव ही मेक्स विच ही ऑलवेज सेज इज इंस्पायर्ड बाय गॉड वन डिस्कवर्स अ पॉलिटिकल मनूवर। तो लॉर्ड विलिंगडन जो थे इनको गांधी पसंद नहीं था, इन्होंने बोला गांधी ना भगवान के नाम पर शुरू करता है कि मैं भगवान के नाम पर ये शुरू कर रहा हूँ, भगवान के नाम पर वो शुरू कर रहा हूँ, पर ये भगवान के नाम पर नहीं, ये राजनीति कर रहा होता है। I see the American press is saying what is wonderful man he is, but the fact is that we live in midst of very unpractical, mystical and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy. तो जहाँ पे पूरी दुनिया गांधी की तारीफ कर रही है वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो बिल्कुल अंधे हो गए हैं देशभक्ति और गांधी की भक्ति में। जैसे मोदी भक्त अभी होते हैं वैसे ही तब गांधी भक्त चल रहे थे, और जो गांधी बोलते हैं लोगों को वही सही लगता है। तो ये सोचते हैं क्रिटिसिज्म विलिंगडन ने बोला तो ये पेपर में कभी नहीं आता, ठीक है। इन 1935 हाउएवर अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस, 1935 में एक नया एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जिससे हमारा हिंदुस्तान का कानून कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी
कॉपी किया गया है, तो उसके अंदर पहली बार बोला गया था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी जाएगी, आप लोगों को वोट करने का हक दिया जाएगा। 2 साल बाद इलेक्शंस हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, आदमियों को वोट करने का हक दिया गया, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी थी उनको वोट करने का हक दिया। इस टाइम पे कांग्रेस को काफी भारी मात्रा में वोट मिले, 8 से 11 में से 8 जगहों पे कांग्रेस को जीत मिली, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स ने देखी कांग्रेस कितनी फेमस होती जा रही है, तो कांग्रेस काम तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही कर रही थी, पर ये देखा गया था कि कई जगहों पे कांग्रेस सरकार पावर में आई है, बाकी मुस्लिम पार्टीज एंड ये सब नहीं आए। सितंबर 1939 में, 2 ईयर्स आफ्टर द कांग्रेस मिनिस्टर अज्यूम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हो गई, ठीक है। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू दोनों ने बहुत क्रिटिसाइज किया हिटलर को कि आप गलत कर रहे हो, नाजीज यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। अकॉर्डिंगली दे प्रॉमिस कांग्रेस सपोर्ट टू वॉर एफर्ट इफ द ब्रिटिश इन रिटर्न प्रॉमिस टू ग्रांट इंडिपेंडेंस वंस हॉस्टिलिटीज एंड। तो अब ब्रिटिशर्स ने बोला हिंदुस्तानियों को, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, हमारे को यहाँ से बंदे भेजने हैं, आप हिंदुस्तानी लोग हमारी आर्मी बन के जाओ। तो हिंदुस्तानी आर्मी वालों ने, सॉरी मतलब हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के लीडर्स ने बोला कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तभी जाएंगे जब आप हमसे वादा करोगे कि आप हमारे देश को छोड़ के जाओगे, हमें आजादी दोगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं पहले सोर्स 5 करवा रही हूँ और फिर सोर्स 6 कराऊंगी। प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि हिंदू सारे एक तरफ हो जाओ, हिंदुओं के वोट अलग होंगे, हिंदू ही वोट करेंगे और हिंदू ही नेता चुना जाएगा। मुसलमानों के लिए मुसलमान अलग से इलेक्शन करेंगे, अलग से वोट डालेंगे और मुसलमान नेता अलग चुना जाएगा। और सिख जो है सिखों का वोट अलग मिलेगा, सिखों जो है वो अलग से इलेक्शन करेंगे, सिखों का एक सिख लीडर चुना जाएगा। अब ऐसे ही क्रिश्चियंस जो हैं हिंदुस्तान में वो अलग से वोट करेंगे, उनका जो एक लीडर अलग चुना जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है या पूरे देश का एक ही लीडर होता है? बताओ, ठीक है, पूरे देश का एक लीडर होता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, फर्स्ट या सेकेंड, आई थिंक सेकेंड, जब आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, अंग्रेजों ने क्या एक चाल चली, उन्होंने क्या बोला कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं जिसके अंदर ये जो SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले, शेड्यूल कास्ट के लिए बेसिकली हुआ था, अनटचेबल्स के लिए, उनको बोला गया। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, तो 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं डिप्रेस क्लास को, अनटचेबल्स को, स्केड्यूल कास्ट वालों को, जिसके अंदर इनके इलेक्शंस अलग से होंगे, ये अपना नेता खुद चुनेंगे और वोट भी खाली यही डालेंगे, बाकी हिंदुस्तानी वोट नहीं डालेंगे, सिर्फ स्केड्यूल कास्ट के लोग ही वोट डालेंगे और स्केड्यूल कास्ट वाले अपने स्केड्यूल कास्ट नेता को चुनेंगे। तो बाकी सबको तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे अंबेडकर हो गया या जितने भी शेड्यूल कास्ट वाले अनटचेबल्स लोग हो गए, दे वर हैप्पी कि हमें हमारा एक तरह से वोटिंग राइट अलग से मिल रहा है, हमें जो है अपने नेता को अब हम खुद चुन सकते हैं अपने वोट से, हमारे में कोई और जात का, कोई और धर्म का इंसान इंटरफेयर नहीं करेगा। पर गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गांधी ने बोला ये तो आप एक तरह से इनको पूरा ही काट के अलग कर रहे हो, आप तो एक तरह से डिप्रेस क्लास को ये कह रहे हो कि आप अलग हो और अलग ही रहो, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आज आपने डिप्रेस क्लास को अलग करा है, कल को आप सारे धर्मों को अलग कर दोगे और देश का बंटवारा हो जाएगा, तो मुझे ये सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी स्टेटेड हिज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। तो जब अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स करेंगे, अनटचेबल्स को अलग से वोटिंग राइट देंगे, उनके इलेक्शन अलग होंगे, उनका नेता अलग होगा, सब कुछ वो खुद सेलेक्ट करेंगे, तो इस बात पर गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल विल इंश्योर बॉन्डेज इन परपिचुइटी, इनको जो है जिंदगी भर अछूत ही बोला जाएगा, ऐसा रह जाएगा, मैं नहीं चाहता कि इनको जिंदगी भर अछूत बोला जाए। डू यू वॉन्ट द अनटचेबल्स टू रिमेन अनटचेबल, आप चाहते हो कि सारी जिंदगी अछूत अछूत ही बन के रहे। वाइल वेल द सेपरेट इलेक्टोरेट वुड परपेचुएट द स्टिग्मा, ये हमेशा बना रह जाएगा कि ये अलग है और ये अलग ही रहने वाले हैं। वॉट इज नीडेड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमें ये अछूत अनटचेबिलिटी को पूरी जड़ से खत्म करना है, ना कि इसको प्रमोट करना है। एंड वेन यू हैव डन इट द बार सिनिस्टर विच हैज़ बीन इम्पोज ऑन इंसॉलेंट सुपीरियर क्लास अपॉन द इंफीरियर क्लास विल बी डिस्ट्रॉयड, तो सारी ज़िंदगी का ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऊंची जात है और ये नीची जात है, और नीची जात अलग रहेगी और ऊंची जात अलग रहेगी, मुझे ये नहीं करना। इतना समझ में आया? ये आपका सेपरेट
सेपरेट इलेक्टोरेट अभी मैं चैप्टर 15 कराऊंगी उसके अंदर तुम्हें हेल्पफुल होगा, उसके साथ कनेक्टेड ज़्यादा रहेगा। देन सोर्स नंबर 6, अम्बेडकर ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इन गांधी रिस्पॉन्स टू महात्मा इन द रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी ऑपोजिशन टू द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास अम्बेडकर रोड। अब अम्बेडकर जो थे वो खुद डिप्रेस क्लास के थे, अम्बेडकर खुद एक अनटचेबल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ही वॉज समवट हैप्पी कि इनको अलग से वोटिंग राइट मिला है। तो गांधी के व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग थे सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर और अम्बेडकर के व्यू पॉइंट अलग थे। हेयर इज अ क्लास विच इज अनडाउटेडली नॉट इन द पोजिशन टू सस्टेन इट सेल्फ द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो नीची जात है या जो अछूत जात है बेचारों के साथ हमेशा से बहुत दिक्कत होता आया है, इनमें इतनी पावर ही नहीं रहेगी कि अकेले कुछ कर पाए। द रिलीजन टू विच दे आर टाइड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दैम एन ऑनरेबल प्लेस बैंड दैम एज लेपर्स। लेपर्स होता है एक बीमारी। तो ये जो समाज है, ये जो धर्म है, ये नीची जात वालों को जो है एक बीमारी की तरह मानता है जिससे ये लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको आम जिंदगी जीने का हक ही छीन लिया गया है अनटचेबल से। इकोनॉमिकली इट इज अ क्लास एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द हाई कास्ट हिंदूज फॉर अर्निंग इट डेली ब्रेड विद नो इंडिपेंडेंट वे ऑफ लिविंग ओपन टू इट। ये जो अछूत है, ये जो नीची जात है, इनको कमाने का हक नहीं है, कुछ करने का हक नहीं है, पूरी तरह से ऊंची जात वालों पर निर्भर है। Nor are always closed by reason for the social prejudice of Hindus, but there is a definite attempt all through our Hindu society to bolt every possible door so as not to allow the depressed class any opportunity to rise in the scale of life. कि धर्म में भले ही इनके लिए कुछ गलत ना लिखा हो या कम गलत लिखा हो, पर ये जो हिंदू जात की अपर कास्ट वाले लोग हैं तो मेक श्योर करते हैं कि नीची जात वाले कभी भी लाइफ में आगे ना बढ़ सके। तो इन सर्कमस्टांस के होते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट्स अच्छी बात है जो इनको थोड़ी पावर देगा, इनकी त्रासदी को कम करेगा। तो ये दो व्यू पॉइंट लिखे हैं, गांधी का व्यू पॉइंट और अंबेडकर का व्यू पॉइंट। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, पर ये व्यू पॉइंट्स आपको लास्ट चैप्टर में काम आएंगे। इतना समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ूं? तो मैं थी 1939 जिसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। हिटलर के जो हरकतें थी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बहुत बुरी लगी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों का साथ मांगा वॉर में भेजने के लिए। हिंदुस्तानियों ने कहा आज़ादी प्रॉमिस कर दो तो हम जाएंगे। इतना समझ में आया? पेज 362 ये ऑफर अंग्रेज़ों ने मना कर दी कि हम आपको आज़ादी नहीं देंगे। ठीक है, इस बात पे खुंदस खा के जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी अपनी सीटें छोड़ दी जो उन्होंने इलेक्शन से जीती थी 1939 में। और 40 और 41 के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे सत्याग्रह करे जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करी। और इन्होंने ऐसे सत्याग्रह किए, आप अब तक हमें वादा नहीं करोगे हमारे देश को छोड़ के जाओगे, हम आपका कोई साथ नहीं देंगे। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास करा जिसके अंदर उन्होंने जहाँ पर मुसलमान जिस इलाके में 1940 में मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी जो थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा कि जिस एरिया के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं उस एरिया में मुस्लिम लीग की चलने दो। द पॉलिटिकल लैंडस्केप वॉज नाउ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। एक तरफ अंग्रेज़ लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ हिंदुस्तानी कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के साथ फिर मुस्लिम लीग लड़ रही है, तो सारे आपस में लड़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान की बैंड बज रही थी। इट वॉज नो लॉन्गर इंडियन वर्सेज ब्रिटिश जो था, तीन लड़ाइयाँ हो रही थी, कांग्रेस, ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स। पहले सिर्फ इंडिया की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई थी, अब क्या नई लड़ाई हुई है, ब्रिटिशर्स, कांग्रेस और मुस्लिम्स, तीन हिस्सों पे। तो हिंदू मुस्लिम बढ़ गए और अंग्रेज बढ़ गए, तो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ चल रही हैं एक तरह से। मैं कह रही हूँ पहले जो थी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम थी इंडिया की, इंडिया वर्सेज ब्रिटेन, ठीक है, कि हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग, पर अब नया झगड़ा स्टार्ट हो गया मुसलमान हिंदू और आपका ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब तीन पार्टीज झगड़े की बन गई थी। समझ आया? अब इस तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स, है ना, चुम्मी लेंगे। चलो आगे। तो अब जो मुद्दा था पहले हिंदुस्तानी और अंग्रेजों का था, अब हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज, तीन अजंगे आपस में झगड़ रहे हैं। कांग्रेस अंग्रेजों से भी लड़ रही है और कांग्रेस मुसलमानों से भी लड़ रही है। तो ये एक नया झगड़ा स्टार्ट हो गया।
ठीक है। एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट हूज लेबर मेंबर्स वर सिंपैथेटिक टू इंडियन एस्पिरेशंस। सो ब्रिटेन के अंदर एक सर्टेन ग्रुप जो हिंदुस्तानियों की परेशानियों को लेकर सिंपैथेटिक था, बट हूज कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल वाज डाई हार्ड इंपीरियलिस्ट हु इंसिस्टेड दैट ही हैड नॉट बीन अपॉइंटेड द किंग्स फर्स्ट मिनिस्टर इन ऑर्डर टू प्रिसाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। पर अंग्रेजों का जो शासन था वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल वो अपना हक हिंदुस्तान पे नहीं छोड़ना चाहता था, वो चाहता था कि हिंदुस्तान के ऊपर मेरा हक हमारा हक रहे। इन स्प्रिंग ऑफ 1942 चर्चिल वाज पर्सुएडेड टू सेंड वन ऑफ द मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसकी आप फोटो देख रहे हो मुस्कुराते हुए, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने ये क्रिप्स भैया को बोला कि आप आइए हिंदुस्तान में जाइए और ये हिंदू और मुसलमानों का थोड़ा सा ना सेटल डाउन करिए मामला, ठीक है, और ये कुछ शांत करो ये हिंदुस्तानियों को कांग्रेस वालों को कि ये ज़्यादा झगड़ा ना करे और हमारे ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हुए झगड़ा करने जाए अगेंस्ट जर्मनी। टॉक्स ब्रोक डाउन हाउएवर आफ्टर द कांग्रेस इंसिस्टेड दैट इट वाज हेल्प टू ब्रिटिश डिफेंड इंडिया फ्रॉम एक्सिस पावर देन द वॉइसरॉय हैड फर्स्ट टू अपॉइंट द इंडिया एज अ डिफेंस मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं बनी, मिस्टर क्रिप्स भैया आए पर ज़्यादा कुछ बात नहीं बनी। हाउएवर आफ्टर द कांग्रेस इंसिस्टेड दैट इफ इट वॉज टू हेल्प द ब्रिटिश डिफेंड इंडिया देन द वॉइसरॉय हैड टू फर्स्ट अपॉइंट इंडियन एज अ डिफेंस मेंबर। तो क्रिप्स भैया तो वापस चले गए, क्रिप्स भैया की नहीं चली, पर हिंदुस्तानियों ने बोला, कांग्रेस ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी तरफ से जाएं ब्रिटेन की तरफ से और एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ाई करें, जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई करें, तो सबसे पहले जो आपका डिफेंस मेंबर होना चाहिए आर्मी या आपकी जो भी है उसका हेड जो है किसी हिंदुस्तानियों को बनाओ। ये भी बात अंग्रेजों ने नहीं मानी, तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपके तीन टॉपिक बचे हैं, ये मैं नेक्स्ट वेंसडे को क्लास लूंगी और ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके साथ फिर मैं इसे क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है।